नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन यूएस डॉलर इज इक्वल टू, यूएस डॉलर वन इज इक्वल टू 107.31 येन, वन पाउंड इज इक्वल टू 1.26 डॉलर एंड वन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 0.70 डॉलर. कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन येन टर्म्स. कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन येन टर्म्स. कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी. लाइक दैट द थ्री क्वेश्चंस आर देयर. आई वांट यू टू कैलकुलेट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. सो फ्रेंड्स, हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसा दे रखा है, एक्सचेंज रेट्स आर 107.31 येन पर डॉलर. Then information is given that say the 1.26 dollar per pound. उसके बाद हमको दे रखा है 0.70 dollar per Australian dollar. ऐसा हमको दे रखा है. और हमको calculate करना है what is the cross currency rate for pound in yen term. यानी हमको क्या करना है, yen calculate करना है. That is price of pound is required to be found in terms of yen. That is a question. क्या बोला सर आपने, price of pound is required to be found in terms of yen. तो अभी हमको क्या करना है friends, one pound is equal to how many yen, that is a question. हम लोग क्या करेंगे friends, हम लोग yen currency को final लेंगे. Answer is required per pound. Against pound which currency is given? Against pound dollar currency is given. Against dollar which currency is given? Against dollar yen currency is given. तो उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे. डॉलर के सामने ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि येन करेंसी मिल रहा है जो टर्म में हमको आंसर चाहिए. मुझे येन पर डॉलर चाहिए इक्वेशन में, और वही क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ. मुझे डॉलर पर पाउंड चाहिए, अगेन वही दे रखा है, तो उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ. Answer is required per pound to into 1. So 107.37 into 1.26. That comes to 135.2862. So 135.29. It is yen per pound. That is what we understand. So, I request all of you to write down answer. सेकेंड क्वेश्चन में हमको ये पूछा है, यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन येन टर्म. यानी सेकेंड क्वेश्चन में अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर एज येन फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर. आई रिक्वेस्ट यू टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द आंसर एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. तो मुझे फाइंड दैट इज आंसर चाहिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द येन पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर. सो आंसर इज रिक्वायर्ड इन, दैट इज फाइनल आंसर इज येन पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर. ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सामने हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके सामने हमको दे रखा है डॉलर करेंसी. हमने डॉलर करेंसी को न्यूमिनेटर में रखा और डॉलर करेंसी को वापस डिनोमिनेटर में रखा. डॉलर के सामने क्या दे रखा है, येन, तो वापस हमने येन को न्यूमिनेटर में रख दिया. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. मुझे क्या चाहिए, मुझे येन पर डॉलर चाहिए. क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको येन पर डॉलर ही दे रखा है, दैट इज 107.37. तो हम यहां पे लिखेंगे 107.37. मुझे डॉलर पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वही दे रखा है, तो अगेन उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है. तो इंटू 0.70 इंटू 1. सो 107.37 इंटू 0.70 75.159. इट इज येन पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर.
थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर टर्म्स. प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी टर्म. सो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड इज द आंसर. तुमको क्या करना है, फाइनल आंसर हमको देना है से इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर. आंसर इज रिक्वायर्ड पर यूके पाउंड. पाउंड करेंसी के सामने कौन सा रेट दे रखा है, पाउंड करेंसी के सामने दे रखा है दैट इज यूएस डॉलर. यूएस डॉलर के सामने हमको क्या दे रखा है, यूएस डॉलर के सामने हमको दे रखा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर. ऐसा हमको दे रखा है, मुझे चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर. मुझे चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर, पर डॉलर पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे रखा है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 divided by 0.70. अच्छा मुझे क्या चाहिए, डॉलर पर पाउंड चाहिए. अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में वही दे रखा है तो उस पर चेंज करने का जरूरत नहीं है. तो उसको क्या करेंगे, 1.26. आंसर इज रिक्वायर्ड पर पाउंड. तो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, 1.26 divided by 0.7 दैट इज 1.80 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूके पाउंड. That is the way we'll compute the answer. I request all of you to write down answer. So friends, we understand that हमको first question में find करना था cross rate for pound in yen term. यानी हमको क्या करना है, we are required to calculate the price of the pound in terms of yen. Price of pound in terms of yen. That is the question. सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड करना था क्रॉस रेट फॉर डॉलर इन येन टर्म. इट मीन्स दैट से द प्राइस ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड से इन टर्म्स ऑफ येन. सो इट इज येन पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर. क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी. सो इट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड. ऐसा करके हमको एक्सचेंज रेट इसका कैलकुलेशन करना है.